तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कैफी आजमी की अर्थ मूवी के लिए लिखी ये गज़ल जोकर मूवी के एक करेक्टर के ऊपर बहुत फिट बैठती है। करेक्टर जो इस मूवी का हीरो है, करेक्टर जो इस मूवी का विलेन है, जो इस मूवी का मुख्य पात्र है, जो दरअसल इस मूवी का ऑलमोस्ट इकलौता पात्र है। एक काल्पनिक शहर है गॉथम, जिसका सुपर हीरो है बैटमैन। सुपर हीरो है तो कोई सुपर विलेन भी होगा, जैसे चाचा चौधरी हैं तो राका, यहाँ वो सुपर विलेन जोकर है। ये सब इस फिल्म की कहानी नहीं है, लेकिन इसकी कहानी को समझने से पहले ये सब समझना ज़रूरी है। इस फिल्म की कहानी तो सिर्फ एक लाइन की है, जोकर कैसे जोकर बना। वो खलनायक मूवी में संजय दत्त का कैरेक्टर कहता है ना, मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। आनंद बख्शी की इस एक लाइन को खूबसूरती से फैलाकर 1 घंटे 40 मिनट का कर दे तो बन जाती है साइको थ्रिलर मूवी जोकर। चाहे बाजीगर का शाहरुख हो या दीवार का अमिताभ, अगर एंटी हीरो की बात होगी तो उसके एंटी हीरो बनने की कुछ मजबूरियां भी रही होंगी, हमारे जोकर की भी हैं, प्लस कुछ मानसिक दिक्कतें हैं। होने को वो मानसिक दिक्कतें भी समाज ने ही उसे दी हैं। चाइल्ड एब्यूज से लेकर माँ का साइको होना, सब कुछ उसके वैसे होने को जस्टिफाई करते हैं जैसा वो आज है। यूं एक बार की ये फिल्म भी कबीर की तरह घातक हो सकती है उन लोगों के लिए जिनके लिए फिल्म पर्दे से बाहर निकल कर प्रेरणाओं का आकार ले लेती है, उनके लिए भी जो अपने अपराधों के लिए एक एस्केप रूट या एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। मूवी इतनी डार्क है कि थिएटर का अंधेरा आपको पर्दे से बेहतर लगता है। बड़ी अजीब बात है कि फिल्मों में जोकर कलरफुल होते हुए भी डार्क है। वो सबसे ज्यादा दुख के क्षणों में हंसता है, ठहाके लगाता है, कहता है एक चुटकुला याद आ गया था, अगर पूछो कौन सा तो कहता है रहने दीजिए आप नहीं समझ पाएंगे। जोकर जिसकी जिंदगी में सुख का एक क्षण नहीं आया क्योंकि उसकी जिंदगी एक कॉमेडी थी। एक्टर वॉकिन फिनिक्स को दिया गया करेक्टर कहीं से भी आसान नहीं था। जोकर एक ऐसा करेक्टर है जो बहुत लाउड है लेकिन उसके एक्सप्रेशंस लाउड नहीं है। वो दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट आदमी है लेकिन तब तक जब तक कि वो कोई और है, वो जोकर है। जैसे ही वो ऑर्थर बन जाता है, हारा हुआ बन जाता है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। ऐसे मल्टी लेयर्ड करेक्टर्स को निभाना आसान नहीं होता। हंसने की बीमारी में रोना आसान नहीं होता, लेकिन फिनिक्स की एफर्टलेस एक्टिंग सब कुछ आसान बना देती है। रोने के लिए आज़ाद हो तुम, हंसने के लिए मजबूर हैं हम। डीसी कॉमिक्स के गॉथम, एल्फ्रेड बटलर और ब्रूस वेन जैसे रेफरेंसेस के अलावा फिल्म में कुछ बढ़िया रियल लाइफ रेफरेंसेस भी हैं जो आप और मैं जैसा जोकर कहता है नहीं समझ पाएंगे। जैसे 1984 में हुई न्यूयॉर्क सिटी सबवे शूटिंग का रेफरेंस। फिल्म में टैक्सी ड्राइवर वाले रॉबर्ट डी नीरो भी हैं और उनकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर के कुछ रेफरेंस भी। फिल्म के भाव बहुत डार्क हैं लेकिन इसका आर्ट बहुत कलरफुल। निर्देशक टॉड फिलिप्स की ये अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म कही जा सकती है, लेकिन इसे देखकर ये भी कहा जा सकता है कि उनका बेस्ट अभी बाकी है। फिल्म में सब कुछ बेहतरीन हो ऐसा भी नहीं, जैसे इसकी फिलॉसफी गलत है या सही है तो खैर डिबेटेबल है, लेकिन ये अधपकी ज़रूर है। फिल्म को जबरन आर्टिस्टिक बनाने की कोशिश दिखती है और इस चक्कर में गुड फैलाज या पल्प फिक्शन जैसी किसी क्राइम थ्रिलर विधा की एपिक बनने से ये रह जाती है। फिल्म अपने ट्रीटमेंट में मुझे बर्डमैन के सबसे करीब लगी और हाँ, फाइट क्लब की तरह स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला सस्पेंस या थ्रिल भी यहाँ पर उतनी बेहतरी से काम नहीं कर पाता। फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमने जोकर को बहुत पावरफुल देखा है, फिर चाहे वो कॉमिक्स में हो या मूवीज में। इस वाले जोकर में और उस वाले जोकर में जमीन आसमान का फर्क है। अंत में मुझे ये लगता है कि गॉड इज डेड कहने वाले नीचे कोई मूवी बनाते तो ऐसी ही बनाते।